बसंत पंचमी पर किया जाने वाला बच्चों के लिए विशेष उपाय। यदि आपके घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपको बार बार बोलना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो यदि आप इस बसंत पंचमी पर यह एक विशेष उपाय कर लेते हो तो गुरुजी बताते हैं कि आपको कभी भी अपने जीवन में बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे अपने आप ही पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे और हमेशा ही उनको पढ़ा लिखा याद रहेगा, अव्वल आएंगे, सफलता की प्राप्ति होगी। क्या करना है आपको, बसंत पंचमी वाले दिन 31 सरसों के फूल ले लेने हैं। जी हाँ, जो सरसों के पीले फूल होते हैं आपने गिनती में 31 ले लेने हैं और आपने पहुंच जाना है शिवालय और वहां पर आपने उस बच्चे के हाथ से ही इन 31 फूलों को महादेव पर समर्पित करा देना है। कहते हैं कि जो भी बच्चा बसंत पंचमी वाले दिन महादेव पर जीवन में एक बार भी सरसों के फूल अपने हाथों समर्पित कर देता है, महादेव उस पर इतनी कृपा बरसाती है, माँ सरस्वती भी उस पर इतनी कृपा बरसाती है कि वह पढ़ाई में हमेशा उत्तीर्ण होता है, सफलता की प्राप्ति होती है, पढ़ा लिखा हमेशा याद रहता है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।